जादुई गाय लस्सी वाले की सफलता। उदयपुर नामक एक गांव होता है। गांव में राजू नाम का एक आदमी उसकी पत्नी शशिकला के साथ गांव में एक टूटे फूटे घर में रहता था और उनके पास एक गाय थी। तभी उसकी पत्नी शशिकला वहां आई और बोली, ए जी क्यों लो जी इस गाय को चारा डालती हो पानी डालती हो, मुझे एक सोने का हाल तो नहीं ला के दे रही। मुझे अब सोने का हाल नहीं मिला तो इस गाय को बेच डालूंगी और नया सोने का हाल ले लूंगी, कह रही हो आपसे। शशिकला क्यों तुम इस गाय के पीछे पड़ी रहती हो, यह गाय मेरे पिताजी ने ली थी इसलिए मैं इस गाय को अच्छी तरह से संभालता हूं। तुम्हें एक सोने का हार ही चाहिए ना, मैं ला के दूंगा थोड़े दिनों में। रहने दो जी, जब से शादी हुई है तब से ऐसे ही कह रही हो, मुझे अब कुछ नहीं पता, मुझे एक सोने का हाल चाहिए मतलब चाहिए। इतना सब सुनने के बाद राजू वहां से चला गया। अब मैं क्या करूं, मेरे पास तो कोई काम ही नहीं है और इसे सोने का हार कहां से ला के दूंगा। एक काम करता हूं, सेठ जी के पास जाता हूं और उनसे पूछता हूं आपके पास कोई काम है क्या। तब राजू सेठ जी के पास चला गया और बोला, सेठ जी आपके पास कोई काम है क्या, मुझे अब काम की बहुत जरूरत है। नहीं राजू, मेरे पास तो अभी कोई काम नहीं है। सेठ जी की यह बात सुनकर राजू बहुत उदास हो गया और वहां से चला गया। राजू वहां से सीधा एक जंगल में जाकर बैठ गया। मेरी फूटी किस्मत, ना ही मुझे कोई काम मिल रहा है ना ही कुछ, और उसे कहां से सोने का हार ला के दूंगा, अब मैं क्या करूं। राजू ऐसे ही खुद से बात कर रहा था तभी वहां एक अनजान सी शक्ति प्रकट हो गई और बोली, राजू आज से तुम्हारे सारे दुख खत्म होने वाले हैं क्योंकि मैं तुम्हें एक जादुई मंत्र देने वाला हूँ। यह रहस्यमय आवाज सुनकर राजू एकदम से चौंक गया और खड़ा हो गया। राजू मुझसे डरो मत, मैं आज तुम्हें एक जादुई मंत्र देने वाला हूँ। तुम जादुई मंत्र तुम्हारे गाय के कानों में कह देना, जब से तुम्हारी गाय एक जादुई लस्सी देने लगेगी, उस जादुई लस्सी पीते ही गांव वाले के सारे दुख चले जाएंगे। कौन सा जादुई मंत्र? जब भी तुमको लस्सी निकालनी होगी तब यह जादुई मंत्र बोल देना, जादुई गाय दे दे जादुई लस्सी। जो सब जंगल में हुआ था वो सब राजू ने उसकी पत्नी शशिकला को बताया और जैसा उस जादुई शक्ति ने कहा था वैसा ही किया। राजू ने जाकर वो जादुई मंत्र उस गाय के कानों में कह दिया, जादुई गाय दे दे जादुई लस्सी। तब वो गाय जादुई लस्सी देने लगी। यह देखकर राजू और उसकी पत्नी शशिकला बहुत खुश हो गए और डांस करने लगे। तब राजू ने एक होटल किराए पे लिया और लस्सी बेचने लगा। तभी वहाँ का एक कस्टमर लस्सी पी के, वाह राजू जो वाह क्या लस्सी बनाई है, मुझे घर में ऐसी लस्सी एक लीटर पैक करके देना, सच में यह लस्सी बहुत अच्छी है। ऐसे ही राजू रोज होटल में आता और लस्सी बेचता। ऐसे ही कुछ दिन गुजर गए, राजू ने गाँव में एक बड़ा सा घर ले लिया। एक दिन होटल में किशोर नाम का एक कस्टमर आया। आइए साहब जी आइए, आपका स्वागत है, मुझे लस्सी दो। अब भी जाता और दो मिनट में लेके आता हूँ, आप थोड़ी देर वहां बैठिए। तब वो दोनों वहां से चले गए। ये इतना अमीर कैसे बन गया, दो महीने पहले तो यहाँ आके ढोकले खाता था, अब इतना अमीर कैसे, यह बड़ा बड़ा बंगला बड़ा बड़ा गाड़ी अब यह होटल भी, और कैसे, कुछ तो गड़बड़ होगी, इसकी आज गाय ही चुरा लेता हूँ, फिर देखते क्या करता है। तब किशोर वहां से बिना लस्सी पिए चला गया। जैसा किशोर ने सोचा था वो चुपके से रात में राजू के घर आया और उसकी गाय चुराने लगा। लेकिन तमाम कोशिशों के बाद किशोर उस गाय को उसकी जगह से हिला भी नहीं पाया। तब किशोर, अरे यह गाय है कि क्या है, अपनी जगह से हिल भी नहीं रही है। और तभी वो गाय बहुत बड़ी हो गई।
उस गाय को देखकर किशोर बहुत डर गया। तभी उस गाय ने किशोर को मारा और किशोर वहां से उड़ता हुआ चला गया। बाद में गाय फिर से अपने असली रूप में आ जाती है। हेलो दोस्तों, अगर आपको ऐसे ही रोमांचकारी कहानियां चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कीजिए।